अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा खान प्रॉपर्टी वॉच से। आज हम मौजूद हैं अली सक लेन में और हमारे साथ बहुत ही जानी मानी हस्ती बैरियर टाउन कराची की मौजूद हैं शाहिद कादरी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? सर माशाल्लाह बैरियर टाउन वन एक जदीद और लग्जरी एक लाइफ स्टाइल दे रहा है लोगों को, और उसके साथ ही माशाल्लाह बैरियर टू भी अब आ गया है और माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी ओपनिंग भी हुई 5 जनवरी को। तो सर इसके बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए, हमारे जो सामईन हैं वो सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं कितनी हो चुकी हैं और कब तक ये डिलीवर होगा, फॉर्म्स की क्या लास्ट डेट है, ये सब चीज़ें आप बताइए। इसमें इस तरह है कि बैरियर टाउन का पहला ये मेगा प्रोजेक्ट होगा जो बैरियर टाउन ने लॉन्चिंग से अपने पहले ही 40% उसकी डेवलपमेंट कम्प्लीट कर दी थी। ठीक है। और मेन सुपर हाईवे पर ये है, और मैं तो कहूँगा कि उन लोगों के लिए जो बैरियर टाउन वन में अब इंस्टॉलमेंट पे नहीं ले सके थे 2014 में, अभी उनके लिए अच्छा मौका है कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे बैरियर ने 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे दिए। तो क्योंकि बीटी के वन तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, आप लोगों के सामने है, वो आबाद भी है वहाँ, इस वक्त प्लॉट की प्राइस बड़ी हाई है तो हर बंदा वहाँ नहीं खरीद सकता। तो जो इस वक्त इंस्टॉलमेंट प्लान पे लेना चाहते हैं उनके लिए बीटी के टू बहुत अच्छा है, और बैरियर टाउन वन जिस तरह डेवलप किया बैरियर ने, वो कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसको डेवलप करें। उस पर जो इस्तंबुल की तरफ पे ब्लू मॉस बना रहे हैं, इसके अलावा जो वाटर पार्क है और दीगर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, तो बैरियर टाउन के जो एंट्रेंस है सेम होगी और जो विलास का जो स्टाइल है जो डिजाइनिंग है वो सेम होगी या डिफरेंट होगी? देखिए वो तो अब नए बन रहे हैं तो मजीद जिद्दत के साथ मजीद बेहतर बनेगा। उनके गेट जो है वो विक्टोरियन स्टाइल का उसका गेट है, गेट बड़ा खूबसूरत वहाँ पे बनाया, और आई थिंक 2 टेरेस भी है शायद। जी जी जी। और इसी तरह विलास जो है उनकी पिछले दिनों में अभी उसकी डिगिंग हुई है, वो काम स्टार्ट हो गया वहाँ पे, बैरियर के हेड ऑफिस का स्टार्ट हो गया, मस्जिद शुरू हो गई, मस्जिद महमूद भी शुरू हो गई, तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी तेज़ काम कर रहे हैं बैरियर डेवलपमेंट का। तो आप आने वाले वक्त में देखिएगा कि इंशाल्लाह वो जो इसमें कमी पेशी रह गई बीटी के वन में उधर वो भी पूरी कर देगा बीटी के टू में। तो सर इसकी जो फॉर्म सबमिशन हो चुकी है, क्लोज हो चुका है? इसका बैरियर ने टाइम दिया था लेकिन अभी दोबारा बैरियर ने 28 फरवरी उसके डेट दी है, तो इंशाल्लाह 28 तक जो है ना ये सारे फॉर्म सबमिशन हो जाएंगे। ओके सर, तो इसकी जो बुकिंग ऑन टाइम है वो उसका क्या अमाउंट है? अभी तो 5,10,125 गज की थी, इसी तरह 8,10,250 गज की थी। जी जी हाँ, तो स्टेप बाई स्टेप है, कमर्शियल भी है, विलास भी है, तो जो भी जिसमें बुकिंग करवाना चाहता है वो करवा सकते हैं, करवा सकते हैं 28 फरवरी तक ये करवा सकते हैं। तो सर इसकी फिर इसी कुरानदाजी होनी है क्या? जी, इसकी बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग साफ फॉर्म की सबमिशन होगी, उसके कुछ अरसे बाद इसकी बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग होगी, फिर नंबर, फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ जो प्राइवेट। जी, आप देखिए अभी वो शाहिद महमूद कुरैशी साहब जो हमारे बड़े भाई भी, हमारे लीडर भी, तो उन्होंने अब आना है मार्च में, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो है ना 15 से 20 ऑफिस जो है उनकी उन्होंने ओपनिंग करनी है, उनके यानी डिगिंग करनी है, ऑफिस स्टार्ट होंगे माशाल्लाह। आने वाले 2 से 3 माह में देख रहे हैं हम कि इंशाल्लाह बीटी के टू की बहुत बेहतर मार्केट हो जाएगी। हाँ, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ ऑफिस ओपन हो जाएंगे और यहाँ के जो बिल्डर्स हैं रियल इस्टेट से रिलेटेड लोग हैं वहाँ पे भी मूव करेंगे अपने लोग। हर बात है जाएंगे, क्लाइंट आएगा वहाँ पे उसको विजिट करवाएंगे तो इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह और भी अच्छी। इसी तरह इधर भी ऐसे ही था जी, बिल्कुल बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता ये भी बात हो गया, इंशाल्लाह बेहतर हो गया तो वो भी इंशाल्लाह इससे बेहतर ही। तो सर वो कितने साल का प्रोजेक्ट है? तो ये तमाम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि घर चाहते हैं, अपना घर, स्पेशली जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं उनके तो ज्यादा करीब पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आई थिंक वही के लोग बहुत ज्यादा इसमें जो इधर से भी है, सामने आपके सामने इंडस्ट्रियल जोन भी है, डिस्ट्रिक्ट जोन, ठीक है, तो वो लोग जो उधर जाते हैं अपनी जॉब पे उनके लिए भी करीब है, वो आयश उधर मूव कर सकते हैं। सर कोई ऐसे ये जो झील में सबसे बड़ी झील बना रहे हैं आप लोग, ये भी बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है तमाम कराची वालों के लिए भी, बैरियर वालों के लिए, तो अदर थिंग्स थीम पार्क है सर यहाँ पर और बच्चों की काफ़ी एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें, इसी तरह वहाँ पर भी? जी जी बिल्कुल बनेंगे, वहाँ पे भी बनाएंगे, वहाँ पे भी बनेंगे। इसी हवाले से यानी ओवरसीज क्लाइंट्स को भी आप मैसेज दें कि वो अपने फॉर्म सबमिट कराना चाहते हैं तो 28 फरवरी तक बिल्कुल करवा सकते हैं, ओवरसीज उनके पास मौका है 28 तक अपने फॉर्म जमा करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए अस्मा खान प्रॉपर्टी वॉच से, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।